हरप्स किचन में स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मैंगो स्मूदी। इस मैंगो स्मूदी की खासियत है कि ना तो इसमें दूध और दही है और ना ही इसमें चीनी है, और फिर भी ये टेस्टी स्मूदी बनकर तैयार हो जाती है। और टेस्टी होने के साथ साथ ये बहुत ही हेल्दी भी है। आई एम श्योर दोस्तों आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना करें। दोस्तों अगर आप वेट लॉस प्लान कर रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि इसमें बहुत ही कम कैलोरीज हैं। तो चलिए जल्दी से इस वेट लॉस मैंगो स्मूदी की रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये स्मूदी बनाने के लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ 1 कप मखाने। मखाने जो होते हैं हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में बहुत ही हेल्पफुल हैं और बहुत हेल्दी होते हैं, फैट फ्री होते हैं। तो मैं इनको पहले पीस लेती हूँ, इनका एक पाउडर बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने मखानों का एकदम बारीक पाउडर बना लिया है, तो मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिला लेती हूँ। यहाँ मेरे पास है 1 कप आम जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट रखा है। साथ में मैं डाल रही हूँ बादाम जिनको मैंने भिगाया था और इनके छिलके उतार दिए हैं, तो हम 6-7 बादाम डाल देंगे। 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें सिनेमन पाउडर। तो दालचीनी का पाउडर होता है ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, वेट लॉस में हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून फ्लेक्सीड्स। फ्लेक्सीड से हमें एक्स्ट्रा फाइबर मिलेगा, ओमेगा मिलेगा, तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है। अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा पानी। अब मैं 1 कप पानी डाल दूंगी और सभी इंग्रेडिएंट्स को हम बहुत ही बढ़िया तरीके से पीसेंगे जब तक कि ये स्मूद ना हो जाए। तो चलिए स्मूदी को सर्व कर लेते हैं। मैं इसे गार्निश करूंगी थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम के साथ। यहां हमने बादाम को भिगा लिया था और उसके छिलके उतार दिए थे। थोड़े से बारीक कटे हुए मेरे पास आम है। और मैं इस पे डालूंगी थोड़े से फ्लेक्सीड्स। तो दोस्तों तैयार है ये मैंगो स्मूदी। आपने देखा हमने कितने हेल्दी वे में इसको बनाया, ना तो हमने दूध डाला, ना दही और ना ही चीनी, और फिर भी ये टेस्टी हेल्दी मैंगो स्मूदी तैयार है। आई एम श्योर आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए देखते रहिए ऑरम्स किचन।